सो योर फाइनल बैग शुड लुक लाइक दिस। कोरोना वायरस के टाइम पे क्या ट्रैवल गोल्स दे रहा हूँ मैं। हाय गाइस, माय नेम इज अंकित एंड वेलकम बैक टू बाबा का चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप 4 से 5 दिन की ट्रैक पे जा रहे हो या फिर आप कोई भी ट्रैक पे जा रहे हो कि क्या क्या चीजें अपने साथ लेके जाएं, असेसिव चीजें क्या हैं, बैग कैसे पैक करना है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है ट्रैक के टाइम पे। ये वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। वीडियो के सारे टाइम स्टैम्प स्क्रीन पे हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ देखनी है तो। मैंने अपनी जर्नी 2017 में स्टार्ट करी थी और मैंने आज तक 7 से 8 ट्रैक करी हैं जिसमें 2 मेजर ट्रैक शामिल हैं। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद एंड खुद के एक्सपीरियंस के साथ मैं ये सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हम इस कोरोना वायरस के टाइम पे कहीं घूमने तो नहीं जा सकते, सो नो ट्रैवल वीडियोस फॉर नाउ, बट आने वाले ट्रैक्स के लिए मेरे को लगा मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। सबसे पहले आता है रक्सैक। मैं ये रक्सैक यूज़ कर रहा हूँ, कैरी प्रो का होबो 40 लीटर रक्सैक। आप कोई भी रक्सैक यूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी बॉडी को सूट करे। एक 50 to 75 liters वाला रक्सैक आपको इनफ होगा डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। गाइस, अगर आप अपनी पहली ट्रैक पे जा रहे हैं तो एक अच्छा रक्सैक बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी कम्फर्टेबल ऑन योर शोल्डर्स, बैक एंड हिप्स। आपका कोई भी स्कूल बैग या फिर कोई भी साइड शोल्डर बैग काम नहीं करेगा। एक बार बैग लेने से पहले उसको पहन के ज़रूर देखें क्योंकि कम्फर्टेबल स्ट्रैप्स बहुत ज़रूरी है। कुशनिंग पीछे भी होनी चाहिए और स्ट्रैप्स पे भी। अब गाइस सामान की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ असेंशियल चीज़ें क्या क्या हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑन योर ट्रैक। सबसे पहले आता है आईडी प्रूफ। जितने भी आप मेजर ट्रैक्स पे जाओ हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे वो आपसे आईडी प्रूफ ज़रूर मांगते हैं। ग्लूकॉन डी, 3 से 4 प्रोटीन बार या फिर बिस्किट्स, हेडलैम्प। हेडलैम्प मोस्टली समिट पुश के टाइम काम आता है या फिर अगर आपको रात को वॉशरूम जाना है तब काम आता है ताकि आपके दोनों हाथ खाली रहें। मेडिकल किट, लेकिन गाइस अगर आप किसी हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक पे जा रहे हैं तो अपनी कोई भी मेडिसिन रखने से पहले अपने फिजिशियन से प्लीज़ कंसल्ट करके ही रखिए। वॉलिनी स्प्रे, अ गुड पेयर ऑफ सनग्लासेस, डे कैप एंड सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक, स्पेशली इफ यू आर गोइंग फॉर अ स्नो ट्रैक। मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ उसमें आपके साथ। मैंने केदारकांत का जब समिट पुश करा था तब मेरा फेस पूरा जल गया था जब मैं वापस आया था क्योंकि मैंने सिर्फ शेड्स पहने थे और सनस्क्रीन एंड डे कैप नहीं लगाई थी। रेन कवर फॉर बैग, अगर आप कोई भी डिकैथलॉन से अच्छा बैग ले रहे हो तो उसका रेन कवर आता है। अगर नहीं आता रेन कवर तो सेपरेट एक वो सेल करते हैं रेन कवर। प्लीज रेन कवर इज वेरी मस्ट फॉर योर बैग। ग्लव्स विच आर नॉट वुलन, वुलन कैप, ये आपके कैंप साइट के काम आएगी। प्लीज वुलन कैप पहन की ट्रैक मत करिए, इससे आपको बहुत गंदा हेड रश हो सकता है। आपका टॉयलेट किट जिसमें आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश आएगा। प्लीज साथ में अपने आप एक हैंड सैनिटाइजर जरूर कैरी करिए क्योंकि आप जहाँ भी बैठ के खाएंगे हमेशा पहाड़ों में रेडिली वाटर सप्लाई नहीं होती है, सो हैंड सैनिटाइजर आपके बहुत काम आएगा। देन एक फेस मॉइस्चराइजर एंड एक लिप बाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस पहाड़ों पे स्किन ड्राइनेस एंड फेस ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, दिस कैन कम इन हैंडी। स्पेयर प्लास्टिक बैग्स फॉर योर यूज क्लोथ्स, अगर आपके कोई कपड़े गंदे हो गए या फिर आपके यूज अंडरगारमेंट्स या फिर आपके गीले हो गए वो रखने के लिए। एक स्पेयर पेयर ऑफ सॉक्स ज़रूर रखें, अगर आप 4 से 5 दिन की ट्रैक पर जा रहे हो तो 6 पेयर या फिर 5 पेयर ऑफ सॉक्स ज़रूर रखें क्योंकि एक बार सॉक्स अगर गीले हो गए तो उनको पहाड़ों पर सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक स्पेयर टिफिन बॉक्स एंड अ स्पून, मोस्टली जो ट्रैक ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में बड़ी वो आपको ये कंपलसरी रखते हैं। मैं ये खुद कैरी करता हूँ क्योंकि मेरे को इसमें खाना अच्छा लगता है जब भी आप लंच या फिर डिनर कर रहे हो एंड देन आप इसको खुद वॉश कर सकते हो। 1 वाटर बॉटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ वहाँ से बॉटल खरीद के आप वहीं पर ना फेंकें। जब भी आपको पानी पीना है आप इसमें भरें, जहाँ से भी भर रहे हैं इसमें भरें एंड यही कैरी करें फॉर योर होल ट्रैक। आप चाहो तो 2 भी लेके जा सकते हो और एक बड़ी भी लेके जा सकते हो। दिस इज़ 1 लीटर, मेरी सारी ट्रैक्स में मैं यही लेकर गया हूँ एंड ये मुझे सफिशेंट लगी है। यू कैन ऑल्सो कैरी अ स्विस नाइफ, दैट कैन कम इन हैंडी। मैंने 2 ट्रैक्स पे कैरी करा है, ज़्यादा काम नहीं आया लेकिन येस मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको बहुत काम आया है। बैक पैक करते हुए आपको 3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। आप कम से कम सामान रखो, आप सामान को ईजिली एक्सेस कर सको और आप सामान ऐसे रखो कि आपका बैग वेल बैलेंस्ड रहे। लेस थिंग्स, ईजी एक्सेस एंड वेल बैलेंस्ड बैग, बिकॉज एवरी थिंग यू कैरी ऑन योर ट्रैक यू हैव टू कैरी इट ऑन योर शोल्डर। एक बहुत ही वियर्ड लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेन एवर यू आर गोइंग ऑन अ ट्रैक और अ हाइक प्लीज़ डू नॉट कैरी लेजर स्टफ्स लाइक स्वेटर्स, स्वेट शर्ट्स, हुडीज, टी शर्ट्स,
शर्ट्स, जीन्स ये आपके ट्रैक में कहीं काम नहीं आएंगी. ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर ट्रैकिंग यू हैव टू कैरी एज लेस स्टफ एज यू कैन. इट्स ओके अगर आप थोड़ा गंदा रह रहे हो, आप अगर एक ट्राउजर 3 दिन पहन रहे हो, एक टी शर्ट 2 दिन पहन रहे हो, बस आपकी बेसिक हाइजीन मीट होनी चाहिए ताकि आपको कोई हेल्थ इश्यूज ना हो. इट्स फन टू बी लाइक डर्टी फॉर अ वाइल व्हेन यू आर ट्रैकिंग, बिकॉज व्हेन यू आर क्लोज टू नेचर यू हैव टू लिव लाइक यू लिव इन द नेचर. अब गाइस असेंशियल चीज़ों के अलावा ये चीज़ें आपको 4 से 5 दिन के ट्रैक में काफ़ी रहेंगी. मैं आपको बताऊंगा मैं सामान कैसे रखता हूँ, किस हिसाब से रखता हूँ, ताकि अगर आप कम दिन या फिर ज़्यादा दिन की ट्रैक पे जा रहे हो आपको वो काम आएगा. सो मैं यहाँ 4 nights and 5 days के हिसाब से सामान रख रहा हूँ. आप अभी देखोगे मैंने अपना सारा सामान रेंजर रोल करा हुआ है. लेटर ऑन इन द वीडियो आई विल शो यू हाउ टू रेंजर रोल और ये कैसे काम आ सकता है. 2 thermals मेजरली फॉर नाइट, इनको पहन के आपको ट्रैक नहीं करना है, बेसिकली दीज आर फॉर नाइट. टी शर्ट्स, मैं 4 टी शर्ट रखता हूँ ताकि मैं हर दिन एक फ्रेश टी शर्ट पहन सकूँ. अगर आप बेसिक पतली एकदम कॉटन टी शर्ट रख लो तो बहुत अच्छा है, बट बेस्ट रहती है अगर आप ड्राई फिट टी शर्ट रखो क्योंकि वो जल्दी सूखती है. अंडर गारमेंट्स, मैं अपने अंडर गारमेंट्स एक ऐसे बैग में रखता हूँ. और अगर आप देखें तो मैं इसके सेकेंड हिस्से में यहाँ पे अपने मैं टूथपेस्ट एंड डिओड्रेंट एंड हैंड सैनिटाइजर रखता हूँ. इट्स जस्ट वेल ऑर्गेनाइज व्हेन यू आर ऑन ट्रैक. आपको पता होना चाहिए आपका सामान कहाँ है, आपको यू डोंट हैव टू रीच आउट फॉर योर स्टफ. गाइज प्लीज अपने वी शेप अंडरवेयर रखिए, वही आपको ट्रैक में काम आएंगे. एंड गर्ल्स कैन वेयर देयर स्पोर्ट्स अंडरगारमेंट्स बिकॉज दोज आर कंफर्टेबल. देन सॉक्स, इफ आई एम डूइंग 4 day ट्रैक तो मैं 5 socks रखता हूँ एंड एक वुलन सॉक्स फॉर कैंप साइट. 1 fleece jacket, ये मैं इससे रखता हूँ क्योंकि अगर ट्रैक के टाइम हवा चल रही है तो आप स्वेट करते हो तो आपका जो स्वेट है उस पर हवा पड़ेगी तो आप बीमार हो सकते हो, तो उस टाइम के लिए मैं फ्लीस जैकेट रखता हूँ. 1 day pack फॉर नॉर्मल हाइक्स, जब आप कैंप साइट पे अगर आपको आसपास जाना है तो आप इसमें अपना पावर बैंक, फ़ोन, योर फेस वॉश, योर वाटर बॉटल आप इसमें डाल के यू कैन गो आसपास. बेसिकली मैं इसमें अपना कैमरा एंड GoPro रखता हूँ जब भी मैं कहीं आसपास जा रहा हूँ एंड ये मेरे बहुत काम आता है. नाउ 1 down jacket इज अ मस्ट एंड इनफ फॉर अ 4 to 5 day ट्रैक. Just make sure this is windproof and it is certified -10 to -10 degree of temperature. ये आपको आपके summit push के time पे या फिर आपके campsite के time पे अगर वहाँ पे ठंड है तो आपको बहुत 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 काम आएगी. This is very important. 1 quick dry towel, please अपने regular sized घर पे use होने वाले towel मत रखिए, ना ही वो जल्दी सूखते हैं and they take a lot of space. आपको Decathlon से एक ऐसा कॉम्पैक्ट टाल आराम से मिल सकता है एंड दिस इज अ फुल लेंथ टाल. स्लीपर्स फॉर कैंप साइट. 1 waterproof ट्रैकिंग शूज और बूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. आप कहीं भी रिसर्च कर लो, आप जिस भी कैंप साइट के साथ जा रहे हो आप उनसे बात कर लो, आपको सब ये बताएंगे waterproof बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि पहाड़ों में कभी भी बारिश हो जाती है एंड स्पेशली अगर आप स्नो ट्रैक पर जा रहे हो दीज आर अ मस्ट. एक शूज़ की टिप है, आप जब भी ट्रैक पे जा रहे हो आप उससे एकदम पहले शूज़ ना लें. अगर आप जुलाई में जा रहे हो तो आप कम से कम 1 महीने पहले वो शूज़ लें, उनको पहने 3-4 बारी, क्योंकि अगर आप नए शूज़ लेके एकदम ट्रैक पे पहनते हो तो आपको शू बाइट या फिर ब्लिस्टर्स पैर में होंगे ही होंगे. स्लीपिंग बैग विच इज़ ऑप्शनल. 99% कैंप साइट्स हिमाचल एंड उत्तराखंड में आपको स्लीपिंग बैग्स देते ही देते हैं. अब मैं आपको बताऊंगा इस सारे सामान को अपने बैग में कैसे रखना है. कपड़ों को आपने हमेशा रेंजर रोल करना है, आपको नॉर्मल ऐसे नहीं रखने अपने कपड़े, आपको हमेशा रेंजर रोल करके रखने हैं. मैंने ये एक पेयर ऑफ सॉक्स एंड ट्राउजर एंड टी शर्ट सेपरेट रखी हुई है, ये मैं बैग के टॉप पे रखूंगा एंड मैं आपको बताऊंगा इनको रेंजर रोल कैसे करना है बाय चांस अगर आपको नहीं आता तो. अब देखते हैं अपना बैग कैसे पैक करना है. अगर आप एक बैग ले रहे हैं उसके साथ रेन कवर आता है तो रेन कवर की हमेशा स्पेस नीचे होगी यहाँ पे. अगर नहीं है तो रेन कवर बैग के हमेशा एकदम बॉटम में रखें. मैं क्विकली इसमें डाल देता हूँ. अब जो मेरा ये बैग है ये साइड एंड टॉप से एक्सेसिबल है. आई नो मोस्टली बैग साइड से एक्सेसिबल नहीं होते हैं तो मैं आपको टॉप से ही सामान डाल के दिखाऊंगा. आपको अपने बैग के सबसे नीचे अपनी जैकेट रखनी है क्योंकि आपको समिट के टाइम काम आएंगी एंड एकदम आपको बीच में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा कि आप अपनी जैकेट बाहर निकाल सकें. मैं आपको इसको रेंजर रोल करके दिखा दूं. मैं अभी इसको जल्दी कर रहा हूं लेकिन आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपनी टी शर्ट एंड ट्राउजर एंड जैकेट को कैसे रेंजर रोल करना है.
अभी आप देख सकते हैं जैकेट पूरी ऐसे, और अगर मैं इसको ऐसे रखता तो ये कितना स्पेस लेती। अब मैं इसको जल्दी से रेंजर होल कर दूं। देखिए मैंने अपनी जैकेट को रेंजर होल कर लिया है इस तरीके से। अब मैं बैग के एकदम नीचे रखूंगा ताकि ये कहीं जाए ना। अभी इस जैकेट से बैग को बहुत अच्छा बेस मिलेगा ताकि ये वेल बैलेंस्ड रहे। अब इसके ऊपर मैं अपनी स्लीपर्स रखूंगा, उसके बाद अपनी रेंजर रोल करी हुई टी शर्ट्स एंड ट्राउजर्स रखें। एक टी शर्ट एंड ट्राउजर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं यूजुअली उसको टॉप पे रखता हूँ ताकि मैं फर्स्ट दिन ऑफ ट्रैक में पहन पाऊँ एंड आई डोंट हैव टू रीच आउट फॉर देम। तो मैं वो आपको बाद में रेंजर रोल करके भी दिखाऊंगा। दिस माय ट्राउजर। उसके ऊपर जो मैंने आपको बताया अपने दो थर्मल और अपना डे पैक रखें। थर्मल आपको आपकी टी शर्ट से जल्दी काम आएगा क्योंकि आप जब कैंप साइड पहुंचोगे तो रात को पहनने के लिए। उसके ऊपर आप रखेंगे अपनी वुलन कैप, वुलन सॉक्स एंड योर डे कैप ताकि टॉप पे रहे जब अपनी ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे ऊपर रखेंगे आप अपनी फ्लीस जैकेट ताकि आप जब भी ट्रैक कर रहे हैं, हवा चल रही है तो आप फटाफट इसको निकाल के पहन पाएं। सबसे टॉप पे आप अपना ये बैग रखेंगे जिसमें आपके अंडरगारमेंट, सॉक्स एंड टॉयलेटरीज हैं ताकि अगर आपको बीच में रुक के अपना हैंड सैनिटाइजर या फेस वॉश यूज़ करना है तो आप वो कर सकें। उसके ऊपर रखेंगे अपना टिफिन बॉक्स। अब मेरा ऊपर से बैग फुल हो चुका है, बस इसमें उतनी जगह रह गई है जितना मैं अपनी एक टी शर्ट एंड एक ट्राउजर रख सकूँ। अब इसकी साइड एंड टॉप की बात करते हैं। हर एक बैग में ये टॉप में कंपार्टमेंट होता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, उसमें बताया था कि आप रेन कवर अपने बैग के बॉटम में रखें, लेकिन मैं अपना रेन कवर इसमें रखता हूँ ताकि अगर कभी भी बारिश हो गई बाय चांस तो मेरा बैग का रेन कवर एकदम नीचे हो ताकि मैं निकाल सकूँ एंड मेरा खुद का रेन कवर टॉप पे हो ताकि मैं निकाल सकूँ। अगर मैं आपको साइड से दिखाऊँ कि ये बैग कैसा लग रहा है तो एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड, हर एक चीज़ अपनी अपनी पोजिशन पर है। नीचे जैकेट, देन स्लीपर्स, देन थर्मल, देन टी शर्ट, दे पैक, फ्लीस, एवरीथिंग। इस बैग की अच्छी बात यह है कि मैं सब कुछ साइड से भी एक्सेस कर सकता हूँ, मेरे को टॉप से निकालने की जरूरत नहीं है। आई लिंक इट डाउन बिलो इन माई डिस्क्रिप्शन इफ यू वॉन्ट टू बाई इट। नाउ इस बैग में मेरे दोनों साइड पे ये पॉकेट्स हैं। एक साइड में मैं डालता हूँ अपनी टाल ताकि अगर मेरे को बीच में रुक के कहीं पर अपना फेस वॉश करना है तो मेरी टाल ईजिली एक्सेसिबल रहे। उसके ऊपर मैं डालता हूँ अपने ईटेबल्स। उसके बाद जो दूसरी साइड है उसमें हम डालेंगे अपना अपनी मेडिसिन एंड इसमें हम डालेंगे अपने स्पेयर पॉलिथीन एंड सनस्क्रीन। ये आगे मेरी साइड में वाटर बॉटल। हर एक बैग में टॉप में एक जिप ज़रूर होती है, इसमें मैं अपने शेड्स, मॉइस्चराइजर एंड लिप बाम रखता हूँ। अब गाइस हम बात करेंगे अपनी टी शर्ट, ट्राउजर्स एंड सॉक्स को रेंजर रोल कैसे करना है। आप नीचे से इसको ऐसे अंदर फोल्ड कर देंगे, ये ऐसे फोल्ड रहेगी अंदर विद टू क्रीजेस, एक सामने एक पीछे। आप इसको डबल साइड फोल्ड करेंगे, जो क्रीज पार्ट है आपका नीचे है एंड ऊपर से आप इसको रोल करना शुरू कर देंगे। जितना टाइट रोल हो सकता है उतना अच्छा। जब आप एंड तक पहुंच जाएंगे तो ये जो है एज अ पाउच काम करेगा फॉर द टी शर्ट एंड देयर इट इज। Now for the socks, एक socks को आप ऐसे फैलाएंगे, दूसरे को आप थोड़ा सा उसके नीचे रखेंगे ताकि ये जो चीज़ है ये एज अ पाउच एक्ट करे। देन आप इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे एंड ऊपर से इसको एज अ पाउच बना देंगे। देर यू गो। अब इसको आप इतना टॉस कर लें, खेल लें, ये नहीं खुलने वाला। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैंने शॉर्ट्स नहीं बोली, ये मेरी ट्राउजर्स हैं। आप भी ऐसे ट्राउजर्स में इन्वेस्ट करें जो शॉर्ट्स कन्वर्ट हो सकती हैं। अब जो हमने क्रीज बनाई थी हम इसमें ऊपर से बनाएंगे आपकी वेस्ट से। ये देख सकते हैं आप क्रीज, एक लेग के ऊपर एक लेग फोल्ड करेंगे एंड नीचे से रोल करना स्टार्ट कर देंगे, जितना टाइट हो सकता है उतना अच्छा। और ये आपकी ट्राउजर भी रेंजर रोल्ड पैक्ड हो चुकी है। बस ये तीन चीज़ें जाएंगी अब बैग के अंदर टॉप पे ताकि जब मैं ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं चेंज कर सकूँ आफ्टर माई ट्रैवल। एंड शूज़ आई लाइक टू वेयर देम ऑन माई जर्नी। सो गाइज, जब आपका बैग पैक हो जाए वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। इसके अंदर जो सारा सामान था सारा सामान जा चुका है। इट शुड बी वेल बैलेंस्ड एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था सारा सामान आपका ईजिली एक्सेस में होना चाहिए। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज़
put on the bag, tighten the straps. जो आपका waist strap है आप उसको हमेशा पहनें and उसको हमेशा जितना tight हो सकता है उतना रखें, इससे जो आपका सारा weight है वो आपके shoulder, back और hips पे evenly distribute रहेगा. एंड अपना बैग को ऊपर से टाइट ज़रूर करें ताकि वो कुछ इस तरह इंटैक्ट रहे. तो गाइज आप लोग सोच रहे हो कि मैंने पावर बैंक, केबल्स एंड चार्जर, कैमरा के बारे में नहीं बताया. जो मैंने डे पैक अपना बैग के अंदर डाला है वो मैं अगले ले घूमता हूँ, उसके अंदर मैं अपने चार्जर, पावर बैंक, केबल्स, कैमरा, गोप्रो सब उसके अंदर रखता हूँ मैं, ताकि वो मेरे इजीली एक्सेस में रहे. सो योर फाइनल बैग शुड लुक लाइक दिस. कोरोना वायरस के टाइम पे क्या ट्रैवल गोल्स दे रहा हूँ मैं. लेट्स गो. सो गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपके पास वो पहुँच जाए. वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है. और अगर आपको आगे आने वाले टाइम में और वीडियोस, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन करो ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं. आई होप दिस एंड्स सून एंड हमको ट्रैक पे जाने का मौका मिले. मैं इस साल में 3 से 4 ट्रैक पे जाने वाला हूँ. लेट्स सी वो कब हो सकता है. थैंक यू वॉचिंग.